हेलो सुपर फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कंक्लूजन। जैसा कि थंबनेल देख के और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम उन दो सुपर हीरोज पे बात करने वाले हैं जिनके साथ कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। एक तरफ है कैप्टन अमेरिका द सुपर सोल्जर, तो दूसरी तरफ है लोगन वुल्वरीन। एक के पास एडमेंटियम है तो दूसरे के पास वाइब्रेनियम है, और दोनों ही धातु अर्थ के सबसे ताकतवर धातु है। तो चलिए कंक्लूजन निकालते हैं हम लोगन और कैप्टन अमेरिका की, कि अगर इन दोनों में डेट बैटल होगा तो कौन जीतेगा। अभी तक आपने कैप्टन अमेरिका और बैटमैन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके पहले देख लें, ताकि आपको कैप्टन अमेरिका की पावर्स का पता चल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का कंक्लूजन। तो पहले बात हम कैप्टन अमेरिका की कर लेते हैं। कैप्टन अमेरिका की सारी पावर की बात मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, इसलिए मैं शुरू से उसे फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जहाँ कैप्टन अमेरिका एक कमज़ोर लड़का रहता है जिसका नाम स्टीव रॉजर्स रहता है, जिसकी कमजोरी की वजह से उसे एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए चुना जाता है, क्योंकि उसके पास एक अद्भुत स्किल था, और वो स्किल था कि वो सुपर सोल्जर तो नहीं था मगर उसमें किसी सोल्जर की जितनी हिम्मत जरूर थी। तो उसे जब साइंस प्रोजेक्ट के लिए चुना जाता है तो उस पर एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट के बाद हमें मिलता है एक सुपर सोल्जर जिसका नाम कैप्टन अमेरिका रहता है। कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी किसी भी आम इंसान से बहुत ज़्यादा है। तो वहीं बात हम वुल्वरीन की कर लेते हैं। वुल्वरीन का असली नाम जेम्स रहता है। जेम्स के पास बचपन से ही जल्दी रिकवर होने की एबिलिटी रहती है, जिससे कभी भी उसे चोट लगता है तो उससे वो तुरंत ही रिकवर कर लेता है, क्योंकि वो एक क्लास 5 का म्यूटेंट रहता है। वुल्वरीन के बचपन से ही क्लॉज निकलते थे, बट वो क्लॉज एडमेंटियम के नहीं रहते हैं। तब एक साइंटिस्ट ने उस पर एक्सपेरिमेंट कर उसके अंदर एडमेंटियम भर देते हैं, जिससे उनके पूरे शरीर के स्केलेटन एडमेंटियम का हो जाता है। वुल्वरीन एक चीते की रफ्तार से दौड़ सकता है और वो एक कार तक को भी लिफ्ट कर सकता है। तो वुल्वरीन की स्ट्रेंथ लगभग कैप्टन अमेरिका जितनी ही है, बट उसके पास एक प्लस पॉइंट है, उसका रीजेनरेटिंग फैक्टर, जो कैप्टन अमेरिका से लड़ाई के वक्त उसके बहुत काम आएगा। कैप्टन अमेरिका जितनी बार भी उसे सील से मारेगा उसकी चोट ठीक हो जाएगी, मगर जहां वुल्वरीन अपने क्लॉज कैप्टन के अंदर घुसाएगा तो कैप्टन उसे सह नहीं पाएंगे, क्योंकि कैप्टन में उतनी एबिलिटी नहीं है। तो आखिर में इजीली कंक्लूजन निकलता है कि इस फाइट को वुल्वरीन ही जीतेंगे। आपका कंक्लूजन मुझसे अलग भी हो सकता है, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। तो फिर मिलेंगे किसी और कंक्लूजन के साथ, और अपनी राय बताएं कि आपको और किन दो सुपर हीरोज के बीच कंक्लूजन डेड बैटल देखना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर डेली वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपके बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर मिलेंगे किसी और कंक्लूजन के साथ, और अभी तक आपने मेरे पहले और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें, और उसके बेल आइकन पर वुल्वरीन के क्लॉज मारे या कैप्टन अमेरिका की सील, बस वो दब जाना चाहिए। तो बने रहिए सुपर हीरो कंक्लूजन के साथ। टिल देन बाय। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।